अकबरुद्दीन ओवैसी काम कर रहा है, सिर्फ बहाली में नहीं कर रहा, काम है मेरा और जब मैं जाऊंगा तो दुनिया अकबरुद्दीन ओवैसी को एक मुखर्रम की तौर पर याद नहीं करेगी, बल्कि दुनिया अकबरुद्दीन ओवैसी को पुराने शहर में एक तालीमी इंकलाब को पर्दा करने वाले हालत के नाम से याद करेगी। मैं मर जाऊंगा लेकिन इमारतें खड़ी रहेंगी। इसमें एक एक लड़का जो पढ़ रहा है वो पढ़कर जरूर हाजिर बनेगा, अपने पैरों पे खड़े होगा और एक एक लफ्ज वो सीखेगा पढ़ेगा। मेरा ईमान है वो कि वो एक एक लफ्ज मेरी और मेरी आर औलाद के बख्शिश का सामान बनेगा, सबक बनेगा और मेरे गुनाहों की माफी का सबक बनेगा। अल्लाह अल्लाह जब मेरे इस काम को कबूल करेगा और ये एक एक बच्चे की मासूम हाथों की उठाई हुई दुआ को कबूल करेगा और हजारों बच्चे जो आज सर तालीम है जिसमें यकीन भी है, जिसमें यहां पे ऐसे भी लड़के लड़की बच्चियां हैं जिनके वालिदों ने उनके मां को छोड़ दिया है, वैसे भी है, तलाकशुदा भी है, गरीब भी है, परेशान आदमी है और अल्लाह जब इस काम को कबूल करते हुए यतीम को इल्म के दिवस से आरास्ता करने के एवज में जब मुझे जो भी नेकी देगा तो मैं अल्लाह से आज यहां खड़े होकर दुआ करता हूं और कहता हूं कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार, ऐ रब्बुल आलमीन, इस काम के अजर का हकदार सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है, इस काम के अजर का और इस नेकी के हकदार में अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एक एक कारकुन है, एक एक रुकन है, चंद्रा जुटे का एक एक मेरा वर्कर है तो चंद्रा जुटे के गरीब मुसलमान भी है। अल्लाह मुझे अजर देगा तो उस अजर के साथ इनको और आपको भी अल्लाह उसका अजर देगा, क्योंकि ये मेरा काम है, ये हम सब ने मिलकर किया। मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये काम मैंने किया, चंद्रायन गुट्टे की मंजलिस के कारकुनों ने, चंद्रायन गुट्टे की आवाम ने इस 25 वर्ष के उस वक्त के नौजवान पर भरोसा किया, मिल्लत के सबों से इंतजार का खातिमा किया और इस शख्स को मौका मिला तो आपकी। और जब अल्लाह अजर भी देगा तो जरूर यह अजर हम सब में बराबर से बढ़ेगा और ये इमारतें आसानी से खड़ी नहीं होती। ये जिस जिन्होंने इस इमारत को देखा है वो गवाही देंगे कि एक ऐसी बिल्डिंग खड़ी थी, इतनी अच्छी नहीं थी, हमने 3 साल पहले ये बिल्डिंग को फिर से रेनोवेट किया, काम करवाया, एलिवेशन ये सामने की जमीन खरीदी और आज ये स्कूल इतना अच्छा बना, बनाने के लिए करोड़ों रुपया, इसको रेनोवेट करने के लिए करोड़ों रुपया सब हुआ। आप बताओ दुनिया समझती है कि गरीबों का मदरसा फ्री मदरसा और फ्री स्कूल है तो एक टीम के थालिये में होगा, एक शेड में होगा, लेकिन आओ देखने वालों देखो ये गरीबों का स्कूल है, किसी रईस के बच्चे के पढ़ने के स्कूल से कम नहीं है, कॉर्पोरेट स्कूल से अच्छा है ये गरीबों का स्कूल। आप बताइए क्या ये स्कूल क्या खूबसूरत नहीं है, क्या अच्छा नहीं है? गरीबों को कोई इतनी शानदार इमारत में पढ़ाता? अरे दुनिया में दौलतमंद तो बहुत है लेकिन अल्लाह ने उन दौलतमंदों को दिल नहीं दिया। अरे आज हमारे पास दिल भी है, जज्बा भी है, जुनून भी है, हिम्मत भी है और उसके बाद अल्लाह ने सब्र भी हमको दिया और आज हम ये काम कर रहे हैं।
और ये ऐलान करता हूं आज कि यहां पे वहां जहां झूले हैं, वहां जहां झूले हैं, इंशाअल्लाह ताला एक और 7 मंजिला एक इमारत, एक बिल्डिंग वहां पर भी खड़ा करूंगा इंशाअल्लाह ताला, जहां पे लड़कियों के लिए जूनियर कॉलेज का आगाज कर सके इंशाअल्लाह एक साल में। ये भी काम लड़कियों के लिए जूनियर कॉलेज इंशाअल्लाह वो भी हम करेंगे। अरे आज लोग कहते हैं कि अकबर साहब के पास दौलत, अल्लाह रसूल की कसम दौलत बहुत कम है, अल्लाह ने दिल से नवाजा, देने की हसरत से नवाजा, बांटने की तरफ से नवाजा है, गरीबों में देने की एक हसरत को जगाया है। अरे कितना भी रहने लो, उसके बाद भी जब एक रईस खयाल करता है तो देखते हैं कि 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया। अरे आज ये इमारत 10 करोड़ की इमारत है, ये जमीन 1.5 करोड़ की जमीन है। इशरत मैं मोहनपुरा एक में एक मशहूर शादी था, वहां पर भी तामीर जारी, वहां पे भी 4 मंजिल हो चुके, दार्जिलिंग स्कूल तलाक भी जुड़ना है, वहां पर भी KG-PG का कैंपस आ रहा है, 12 करोड़ रुपए का सर्वे, सलाला में संगमरिया का वहां पर भी स्कूल, वहां पर भी आ रहा। एक और ऐलान करूंगा कि इंशाअल्लाह ताला इस रियासत नगर वो ललिताबाद ये ईदी बाजार के इलाके में भी अल्लाह ने चाह तो आएगा 5 बरस में एक और स्कूल बनाने का मेरा इरादा है, वहां पर भी बना। मैं दुनिया से कुछ लेकर जाने वाला नहीं हूं, ना कोई लेकर जाने वाला। अरे जो भी हम ले जाएंगे वो अपने आमाल को ले जाएंगे। आज हम काम कर रहे हैं, कौन है तुम्हारे काम का मुकाबला कर सकता? आज आप बताइए, अल्ताफ हैदर अली साहब भूल गए, यहां पे ECIL के जरिए हम टेली अकाउंटेंट, टैली का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, GST का कोर्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं 90, जिसमें से लड़कियां और लड़के हैं ट्रेनिंग का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। GST जो कानून आया ना टैक्स का, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग के बाद उनको जॉब प्लेसमेंट भी दिया था, कितने में तनख्वाह 30,000 रुपये की तनख्वाह, 30,000 यहां ब्यूटी पार्लर। अभी मीना साहेब मुझसे कह रही कि ब्यूटी पार्लर में सीखने के बाद हमसे 2 लड़कियां रफ में है और वो दुबई में काम कर रहे हैं ब्यूटी पार्लर में, 1,000 रुपये की तरह। आप बताइए, अरे आज अकबर ओवैसी एक ऐसी दौलत को तकसीम कर रहा है जो दौलत कभी खत्म नहीं हो। दौलत की कई शक्लें हैं, जमीन की शक्ल में है, सोने की शक्ल में, चांदी की शक्ल में, हीरे की शक्ल में, मोती की शक्ल में, जमीन की शक्ल में, जायदाद की शक्ल में, लेकिन आप इस दौलत को अगर बांटते रहेंगे तो रुपया खत्म हो जाएगा, जमीन खत्म हो जाएगी, सोना खत्म हो जाएगा, चांदी खत्म हो जाएंगे, मोतियां खत्म हो जाएंगी, आपके हीरे खत्म हो जाएंगे। लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत है कि चाहे जितना तकसीम करो, जितना तकसीम करो, वो और दौलत बढ़ती है, खत्म कभी नहीं होगी। अगर उनकी वैसी दौलत आपको दे रहा वो दौलत आज ये काम जो हम कर रहे हैं ECIL, मैं नौजवान बच्चों से कहूं कि आओ ये कोर्स को ज्वाइन करो, बहुत अच्छा है। मैं याद दिलाना चाहूंगा नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन
वो हमें लायक है, जो हाईटेक सिटी में उस नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन को लाने में रूबिया साहब और अल्ताफ हैदर रजवी की बहुत जिद्दोजहद रही। जब वो सेंटर आ गया तो सेंटर को चलाने के लिए इमारत को जगाने तो हमने इस रियासत नगर की इस इमारत में पूरा एक या दो फ्लोर हमने उनको बगैर किराए पर किराया लिए दिया उनको और कहा कि आप सेंटर में आ सकते। आज मैप की बिल्डिंग नरसिंहपुर बाग में इमारत बन के तैयार, ये क्या कैसे कैसे काम। यहां में जूनियर कॉलेज एक और स्कूल में बनाने का वादा, दगा बनाने शाहजाद से मिला कि उस मेन रोड पे ओवैसी हॉस्पिटल के सामने जो जमीन है कमेटी के अराकीन की जिद्द और मेहनत के नतीजे में वो जमीन को बचा सके। अगर कोई दूसरा होता तो जमीन को बेचकर खा गया होता अब तक। अल्लाह ने मुझे एमएलए बनाया और वो जमीन मुझे बच गई। अगर एमएलए नहीं बनता तो शायद वो जमीन भी बेच खाए होते, बेचने वाले खाने वाले। कैसे लोग आए, फतरमबाजी हुई, मुखरबाज हुए, हमने उस जमीन को बचाया। आज वहां पे 26 करोड़ की लागत से वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर बन रहा, कमर्शियल स्पेस 11,000 या 12,000 किराए पर दे, उसका किराया जो आएगा उससे वहां पे एक स्कूल को चलाए, वहां पे एक लड़कियों के वोकेशनल ट्रेनिंग का मरकज चलाए, वहां पे मरकज अहले सुन्नत का एक मरकज बनाएंगे, वहां दरगाह कमेटी का। अरे आज आप बताइए कि कैसा काम हुकूमत इख्तलास से लड़कर हमने काम करवाया। अरे कोई मामूली काम नहीं है, एक इमारत के खड़े होने में करोड़ों रुपया लग जाता। आज हजारों बच्चे मेरे तालीम है हमारे स्कूल में और हम उन बच्चों में हफ्ते में 2 दिन अंडे भी खिलाने का आगाज करने जा रहे हैं। हम सारे रोज कुछ नहीं खिला सकते, हमारी जितनी हैसियत हम हफ्ते में 2 दिन हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों को अंडा देंगे क्योंकि वो कमजोर है, नाकाम है। बाल बच्चों की आंखों को नहीं देगा, बाल बच्चे बिल्कुल ही सूखे हैं, रूखी सूखी रोटी लाकर खाते हैं, देखकर तकलीफ होगी। अरे दौलत बांटना चाहूं तो बांट दे सकता हूं, लेकिन मैं दौलत बांटना नहीं चाहता, मैं इल्म बांटना चाहता हूं। उस इल्म के जरिए एक मेरा बच्चा, एक मेरी बहन का बेटा दौलत कमाएगा, दौलत मन बनेगा, खालिद बनेगा, नेक बनेगा, तो खुद अपने पैरों में खड़े होंगे, अपनी मां बाप की जरीबी का सहारा बनेगा, तो अपने इल्म की दौलत के जरिए अपने आने वाले नस्ल के मुस्तकबिल को सजाएगा और सवारे। ये काम अभी अल्लाह साहब ने कहा 33,000 खवातीन को हमने इस इमारत में, इस स्कूल में ट्रेनिंग दी है। 33,000 सबके नंबर, सबके पते यहां पे मौजूद है। 33,000 क्या एक पैसा किसी से लिए, बताओ क्या एक पैसा लिए किसी से? क्या स्कूल चलाना आसान है, बनाना आसान है? इंसान की जिंदगी कट जाती है, खत्म हो जाती है एक घर बनाने में, और जब एक घर बन गया तो इंसान खुश हो जाता। क्या गलत है, बोलो आप? यहां कई खवातीनों की जिनका खुद का अपना घर नहीं होगा, आपके दिल की ख्वाहिश होगी ना कि हमारा जाति घर हो। अरे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए इतनी बुलंद इमारतों को बनाना क्या आसान है। खैर बनाना मैं कहूंगा फिर भी ठीक है, बन जाएंगे, लेकिन चलाना आसान नहीं, चलाना आसान नहीं। महाना लाखों रुपए की तरफ
650 असातिज़ा हमारे स्कूल में ज़ेरे रोजगार टीचर्स हैं, उनकी तरह 20 लाख से ज़ायद महाना, 20 लाख से ज़ायद उनकी तरह महाना जाती है, और फिर दूसरे अपने लाख सब मिला लेते हैं, लाइन का बिल, ये बिल, ये खर्चा, ये टूट गया फर्नीचर कम है नया बनाओ लाओ, महाना 35 लाख रुपए का खर्चा आता है स्कूलों को चलाने, क्या आसान है? क्या आसान है बता दिए? अल्हम्दुलिल्लाह 35 लाख का खर्चा है तो कभी किसी के सामने दावत फैलाए, छोड़ी फैलाए, किसी से इंतजार, किसी से भीख नहीं मांगा करो भी, जब तक जिंदा हो किसी से मांगूंगा नहीं। अगर मेरे स्कूल को चलाने के लिए, मेरी माँ बहनों को पढ़ाने के लिए, मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर मुझे अपने घर को भी बेचना पड़े तो बेच दूंगा, अपनी जमीन को भी बेचना पड़े तो बेच दूंगा, लेकिन मेरे गरीब मुसलमानों के घरों में इल्म की रोशनी को जगमगाऊंगा और दियों को जलाऊंगा। ये मेरे हमारी सबसे बड़ी मेरी फिक्र है तो यही है कि जिंदा हूं कैसे भी चला रहा हूं, मर जाऊंगा तो क्या होगा? अरे मर भी जाऊंगा तो मेरी औलाद पे इसका बोझ नहीं डालूंगा, मर भी जाऊंगा तो मेरे बीवी को जिम्मेदारी नहीं दूंगा, मर भी जाऊं तो मेरी जमात पे जिम्मेदारी नहीं डालूंगा, मर भी जाऊं तो मेरे कारकुनों पे जिम्मेदारी नहीं डालूंगा, मरने से पहले ऐसा इंतजाम करके जाऊंगा कि मेरे मदरसे, इन मदरसों में पढ़ने वाले मेरे बच्चे और मेरी बहनें कि इल्म और उनके तालीम खुद ब खुद होते रहे, ऐसा इंतजाम करके दुनिया से कि मेरे मरने के बाद ये इदारे चलते चलते रहे।